बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टेक विद रुद्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों टाइम ऑफ उमान में आज ही एक NOC लेटर के हवाले से एक छोटी सी न्यूज़ आई है। दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ये NOC लेटर क्या है। NOC लेटर नो ऑब्जेक्शन लेटर है, जो एक स्पॉन्सर की तरफ से दिया जाता है एम्प्लॉय को, ताकि वो दूसरी कंपनी में अपनी जॉब तलाश कर सके। तो जो दोस्त भी पहली बार या जैसे भी वो ओमान में जाते हैं लेकिन वो ओमान से वापस आ जाते हैं, वो चाहे उनका अरबाब उनको कैंसिल कर देता है या फिर वो किसी और वजह से वापस आते हैं अपने मुल्क में, लेकिन वो दोबारा जब तक उनके पास पहले स्पॉन्सर का NOC लेटर मौजूद नहीं होता, वो दोबारा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी हवाले से आज थोड़ी सी खुशखबरी, 50% आप उसको खुशखबरी कह लें, कि जो दोस्त भी इस वक्त NOC का वेट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी आई है। क्योंकि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि इस सिस्टम को, NOC लेटर के सिस्टम को ख़त्म किया जाए। क्योंकि जो भी खारजी वहां कंपनियों में काम करने के लिए जाते हैं, जो अपने अपने काम में महारत रखते हैं लेकिन उनको किसी भी वजह से वापस आना पड़ जाता है अपने मुल्क में, लेकिन जब तक उनके पास NOC लेटर नहीं होता वो दोबारा 2 साल तक ओमान में नहीं जा सकते। एक बहुत ही बासलाहत नौजवान मुल्क से यानी ओमान से वापस अपनी कंट्री आ जाता है लेकिन वो दोबारा ओमान में नहीं जा पाता, तो उसके जो मद्देमुकाबल दूसरी कंपनी होती है उनको फ़ायदा ज़रूर होता है इस चीज़ का। तो इसी हवाले से बड़ी कंपनियों ने थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर दिया है कि इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। सिर्फ सोचना शुरू किया है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आप तो जानते हैं कि ओमान जिस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देता है वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होती है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। जैसे ही इसके मतलब मज़ीद अपडेट आएगी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट के साथ, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।